आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पिछले काफी दिनों से भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। दोनों देशों के बीच ये खटपट सीमा विवाद को लेकर है। आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। ज्ञान ध्यान में आज बात करेंगे मैकमोहन रेखा की। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों के सैनिकों की हलचल बढ़ गई है। ग्लावन घाटी में चीन ने पिछले दो सप्ताह के भीतर करीब 100 टेंट गाड़ दिए हैं। वो मशीनरी भी यहाँ ला रहा है जो शायद बंकर्स बनाने में इस्तेमाल हो। भारत भी पैंगोंग झील और ग्लावन घाटी में सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। कई इलाकों में भारत की स्थिति चीन से बेहतर है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से इस महीने के तीसरे सप्ताह में अक्साई चीन क्षेत्र में कुछ गतिविधियों के संकेत मिले हैं। अक्साई चीन लद्दाख का वही हिस्सा है जिस पर चीन ने 1962 युद्ध के बाद से कब्जा कर रखा है, जबकि भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। भारत और चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए अपना दावा करता है। भारत और चीन के बीच जब भी सीमा विवाद की बात होती है तो मैकमोहन रेखा का जिक्र होता है। हमने राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट के प्रोफेसर और इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सोढ़ी से मैकमोहन रेखा और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में समझने की कोशिश की। 1914 का साल, शिमला में एक सम्मेलन हुआ जिसमें तीन देश आए, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। इस सम्मेलन में सीमा से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले हुए। तब ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य में विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच लगभग 890 किलोमीटर लंबी एक सीमा खींची। इस सीमा रेखा को नाम मिला मैकमोहन लाइन। इसमें तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था, को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया। मैकमोहन लाइन के पश्चिम में है भूटान और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बैंड है। शिमला समझौता प्रथम विश्व युद्ध से पहले हुआ था, लेकिन विश्व युद्ध के दौरान स्थितियां बदल गईं। काफी समय बाद 1937 में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। चीन, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को ये कहते हुए मानने से इनकार करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था तब वो मौजूद नहीं था। उस सम्मेलन में मानचित्र का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, बस एक मैप पर लाइनों के सहारे आउटर तिब्बत को इनर तिब्बत और इनर तिब्बत को चीन से अलग कर दिया गया। उस समय दो मानचित्र आए। पहला वाला 27 अप्रैल 1914 को आया, जिस पर चीन के प्रतिनिधि ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा वाला 3 जुलाई 1914 को आया, जो कि एक डिटेल मैप था। इस पर चीन ने साइन नहीं किए थे। चीन 1914 के शिमला समझौते को खारिज करता है। उनका कहना है कि तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था और किसी भी किस्म का समझौता करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं था। चीन के आधिकारिक मानचित्रों में मैकमोहन रेखा के दक्षिण में 56,000 वर्ग मील के क्षेत्र को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इस क्षेत्र को चीन में दक्षिण तिब्बत के नाम से जाना जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी फौजों ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था, जो कि कुछ समय बाद भारत को इस क्षेत्र को वापस लौटा दिया गया। भारत कहता है कि मैकमोहन लाइन को लेकर चीन ने एक लंबे समय तक कभी कोई आपत्ति नहीं की। चीन ने आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 1959 को इस लाइन के लिए चुनौती पेश की थी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रीमियर झाओ इन लाई ने
तब जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी भेजकर मैकमोहन लाइन पर आपत्ति जताई थी। यही मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच विवाद की जड़ है। भारत चीन विवाद के बीच चीन की ओर से बयान आया है कि वो भारत के साथ बातचीत के जरिए सभी मुद्दे सुलझा लेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश क्या रणनीति अपनाते हैं।